हाँ बिल्कुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए आलू के पराठे। आज मौसम बहुत बरसात का था तो मैंने सोचा कि चलो आज आलू के पराठे बनाते हैं। इस मौसम में ऐसी डिशेस अच्छी लगती हैं, तो आए मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। हमें चाहिए बॉयल आलू, हमें 2 टेबल स्पून कुटा धनिया चाहिए, हमें 1.5 टी स्पून कुटा हुआ जीरा चाहिए, और 1 टी स्पून हमें पिसी हुई मिर्च चाहिए, 1 टीस्पून हमें कुटी हुई मिर्च चाहिए, नमक चाहिए। ये हमने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बारीक काट ली हैं, और हमें हरा धनिया चाहिए जो हमने चॉप कर लिया है, ये हमने प्याज ली है ये भी हमने चॉप कर ली है, 1 कप हमने मैदा लिया है और 1 कप ही हमने आटा लिया है, और हमने घी ली है। और हम एक तसला लेंगे जिसमें हम पहले आटा गूंद के रख लेंगे, फिर हम आलू का भुर्ता बनाएंगे। हमने इसमें आटा डाल दिया है, मैदा डाल देंगे और 1 चम्मच नमक भी डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा घी भी डालेंगे। आटे को सफाई से धो लेंगे और फिर आटे को गूंद लेंगे। आटे को अच्छी तरह से गूंद के 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जितनी देर में हम आलू का भुर्ता तैयार करेंगे। ये हमने आटा गूंद लिया है, ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दिया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक हम अपने आलू को तैयार कर लेते हैं। आपने बॉयल आलू ले लिए, हम इसको मैश कर लेंगे। ये हमने अपने आलू मैश कर लिए हैं, अब हम इसमें ये कुटा धनिया ये डालेंगे, ये कुटा जीरा ये डालेंगे, ये हमारी कुटी मिर्चें हैं और पिसी मिर्चें हम डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून नमक का डालेंगे। ये हमने अपना भुर्ता तैयार कर लिया है, अब हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। आए मैं आपको दिखाती हूँ। हम एक पैन लेंगे, हम उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, आप चाहें तो ऑयल डाल लें चाहे तो घी डाल लें। जो हमने ये प्याज रखी थी काट के, अब हम इसमें हल्की सी फ्राई करेंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे कि हम आमलेट की प्याज करते हैं उस तरह से हम हल्का सा गर्म करेंगे इसको। हमने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया था, जो हरी मिर्चें काटी हैं हम वो डाल देंगे। 2-4 मिनट के लिए हम इसको भी ज़रा फ्राई कर लेंगे ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए और इसकी मिर्च में भी थोड़ा सा तेज़पन कम हो जाएगा, तो हम इसको भुर्ते में मिलाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी हरी मिर्चें और प्याज फ्राई हो गई है, अब हम इसको इसमें मिला देंगे और 2-3 मिनट इसको छोड़ के फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये हमारा भुर्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है और हमने इसको निकाल लिया है, और हमारा आटा भी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके पराठे बनाते हैं। ये हम अपना फ्लेम ऑन करके तवा चढ़ा देंगे। हमने पेड़े बना लिए हैं और ये हमने पूरी के साइज के पेड़े बनाए हैं। हम ये 2 पेड़े लेंगे तो हम एक पराठा इसको मुकम्मल करेंगे। आज मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये हम इसको बेलेंगे और इसको हम एक साइड पे रख देंगे, फिर हम दूसरा पेड़ा उठाएंगे, फिर हम इसको भी इतना ही साइज का बेलेंगे, इसमें इसकी फिलिंग डालेंगे। इसके ऊपर हमने फिलिंग डाल दी है, अब हम इसके ऊपर दूसरे पराठे का ये रख के इसको यहाँ से साइडों से दबा देंगे और इसको फिर हम दोबारा से बेल लेंगे। इसको बेल लेंगे, आप देख सकते हैं कितना आराम से बेलाएगा ये। हमारा पैन गर्म हो चुका है, अब हम इसको इसमें डाल देते हैं। नीचे से पक जाएगा तो फिर हम इसको फ्लिप करेंगे। अब हम इसको दूसरी साइड से पलट देंगे, अगर दूसरी साइड हो जाए तो फिर हम इसमें घी ऑयल लगा देंगे, या घी आप जैसा भी चाहें। अब हम इसको फिर एक दफ़ा और पलटेंगे ऐसे। ये देखिए हमारा पराठा पकने के करीब हो गया, अब हम इसमें
घी डालेंगे। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा पराठा बन गया है। आज मौसम भी बहुत मज़ेदार सा हो रहा है और बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं आपको वो भी वेदर भी दिखाऊंगा। हैं हमारा पराठा बिल्कुल तैयार है, हम इसको प्लेट में निकालते हैं। देख सकते हैं हमारे आलू के पराठे हैं, बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी से तैयार हैं। इसको आप दही के रायते के साथ और लहसुन मिर्च की चटनी के साथ खाएं, आपको बहुत मज़े के लगेंगे। ये इसकी रेसिपी मैं आपको दही के रायते की और लहसुन मिर्च की चटनी की मैं आपको रेसिपी दे चुकी हूँ। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है, इसी वजह से आज मेरा पराठा खाने का जो चारा था, बच्चों ने भी कहा कि हाँ मामा आलू के पराठे बना लें, तो आज आलू के पराठे इसीलिए बनाए। आप देख सकते हैं घर के रज की आवाज़, बारिश का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ हो रही है। यहाँ गर्मी सर्दी कुछ नहीं होता है, यहाँ जिस वक्त भी होता है किसी वक्त भी बारिश शुरू हो जाती है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से दरख्त हिल रहे हैं, मगर मज़ेदार भी बहुत होता है, अच्छा लगता है देखने में। जाहिर सी बात है बारिश किसको अच्छी नहीं लगती। सर्दियों में यही सब बर्फ़ भरी हुई होती है और इस तरह से बर्फ़बारी रहती है तकरीबन 6 से 8 महीना तो यहाँ बर्फ़ होती है। जब बर्फ़बारी होगी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि यहाँ कैसा बर्फ़ पूरी भरी हुई होती है और बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। ये बारिश ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद रिम्बो आ चुका है और कितना खूबसूरत और हसीन मौसम लग रहा है। आप देख सकते हैं दो दो रिम्बो एक साथ निकले हुए हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।